तो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, हम फिर से आ चुके हैं आपके सामने एक फिजिक्स के इंटरेस्टिंग और नए चैप्टर के। और ये नया चैप्टर सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें है फोर्स। फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैकेनिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंटरेस्टिंग इक्वेशंस देखने को मिलते हैं, लॉज देखने को मिलते हैं, जो कि सच में हमारे मैकेनिक्स का बेस है। ठीक है, तो आज हम लोग आ चुके हैं लॉज ऑफ मोशन को लेकर के। ठीक है, ये फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। आइए देखते हैं क्या है लॉज ऑफ मोशन, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। क्या है, कहां से निकल के आ रहा है, कौन है इसके पीछे। तो ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया हम लोगों ने फैला के रखा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया आता है घूम फिर कर फोर्स पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज फोर्स। कोई बॉडी मोशन में आती है, ये बात तो आपको पता है, मोशन में आती है। कैसे मोशन में आती है, ये पॉसिबल हो सकता है ओनली एंड ओनली पॉसिबल फैक्टर दैट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, फोर्स। बॉडी अचानक से कैसे मोशन में आ जाए, तो उसके पीछे कुछ तो फैक्टर्स काम करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट इज फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या है, क्या है फोर्स। तो किसी ऑब्जेक्ट पर जब आप किसी तरीके का पुश या पुल लगाते हैं, जिससे बॉडी ट्राइज टू चेंजेस इट्स पोजीशन, ट्राइज टू चेंजेस इट्स एक अपना किसी तरीके का स्टेट चेंज करने की कोशिश करता है। तो जब बॉडी पर किसी तरीके का फोर्स लगाते हैं, और जब बॉडी अपनी स्टेट चेंज करने की कोशिश करें, तो अपनी पोजीशन चेंज करने की कोशिश करें, तो इस तरीके के इफेक्ट को हम लोग कहते हैं फोर्स। That kind of quantity, that kind of effect is called force upon it. अब हम इसे फोर्स कहेंगे। तो अब इस टाइप का जैसे ये बॉडी है, तो क्या इसका मतलब कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाए वो चले तभी वो फोर्स है, तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर हम इस बोर्ड पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, और या फिर किसी तरीके का एफर्ट लगा रहे हैं, तो क्या बॉडी चल रही है, नहीं चल रही, तो क्या मैंने फोर्स नहीं लगाया, तो इसका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। तो बच्चों मेरी बात ध्यान से समझिएगा, द काइंड ऑफ एफर्ट विच ट्राइज टू चेंज इट्स पोजिशन, पोजिशन ऑफ स्टेट, अगर वो स्टेट रेस्ट में है तो हम कोशिश तो करें वो जाने का, भले वो ना जाए लेकिन कोशिश करें, ट्राइज टू चेंज इट्स पोजिशन। तो अगर हम बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी अपनी चेंज करना चाहती है पोजीशन, लेकिन कर नहीं पा रही, अगर करना चाह रही कर नहीं पा रही, तो भी ये फोर्स ही हुआ बच्चों, इस एफर्ट को भी फोर्स ही कहेंगे। तो मैंने इस पर जो एफर्ट लगाया ये भी आपका फोर्स ही है। ठीक है, कुछ और नहीं, फोर्स ही है। तो व्हाट इज द फोर्स, द फोर्स इज द इफेक्ट, एफर्ट, एफर्ट विच, ठीक है, विच ट्राइज टू चेंज इट्स पोजिशन और स्टेट, स्टेट दिस इज कॉल्ड फोर्स, इसको हम कहते हैं फोर्स। तो फोर्स एक एफर्ट था जिससे हम कोशिश तो करें किसी बॉडी के स्टेट को चेंज करने की, तो ये वही फैक्टर है। तो जब हमारे पास ये एफर्ट, ये फैक्टर हमारे पास आ चुका है, अब हम सोच सकते हैं कि क्या होता है फोर्स, एफर्ट है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि क्या ये एक ही फैक्टर्स पे चल रहा है, क्या हम हमेशा बॉडी के एफर्ट को, क्या हम बॉडी के स्टेट को चेंज करने की ही कोशिश करेंगे, इसके कुछ नियम है, इसके कुछ कायदे है, इसके कुछ कानून है। तो हाँ बच्चों आपने सही जाना है, इसके कुछ नियम कायदे कानून है। ठीक है, इस फोर्स के कुछ अपने उसूल है। क्या है उसूल, इसके तीन उसूल है, तीन लॉज है। ठीक है, देयर आर थ्री कंसेक्यूटिव लॉज। ठीक है, क्या है इसके लॉज, लॉज ऑफ मोशन कहते हैं बच्चों इसको, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि फोर्स के नियम कायदे कानून क्या होंगे, इनके वसूल क्या है, कब कैसे क्या काम करते हैं, तो हमारे जहन में बात आती है लॉज ऑफ मोशन की। तो बच्चों लॉज ऑफ मोशन क्या है, ठीक है, तो देयर आर थ्री लॉज ऑफ मोशन, देयर आर
लॉज ऑफ मोशन। बच्चों इसके कितने लॉज हैं? थ्री लॉज। क्या है? ठीक, पहला पहला लॉ। तो पहला जो लॉ है आपका वो कहलाता है लॉज ऑफ इनर्शिया। इसको सबसे पहले इनर्शिया से सपोज करेंगे। पहले तो मैं बात कर लूं आपसे इनर्शिया क्या होता है। तो आप लोगों ने बच्चों सुना होगा इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया को आप एक पैरामीटर समझें। कैसा पैरामीटर? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी टू ऑब्टेन इट्स स्टेट वट एवर इट इज रेस्ट और मोशन। ठीक है, ये एक ऐसी टेंडेंसी है जिससे बॉडी अपने आप को या तो रेस्ट में रखने की कोशिश करती है या तो मोशन में जाने की कोशिश करती है। तो उस मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी। इस तरीके के इफेक्ट को, इस तरीके एफर्ट को मेंटेन रखने की जो टेंडेंसी होती है बॉडी में वो सभी में होती है ऑलमोस्ट, और ये टेंडेंसी कहलाती है इनर्शिया। ठीक है बच्चों, इनर्शिया। तो व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी बाय विच इट ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट व्हाट एवर इट इज रेस्ट और मोशन। ठीक है, तो ये इनर्शिया ये हो गया। इसको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? इट इज ऑब्जर्व बाय गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो। ठीक है, ये वो इंसान है जिन्होंने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो इनर्शिया इट ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ये जो भी है वो अपने आप को बनाए रखना चाहती है। ठीक है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन की, जब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की हम बात करते हैं तो हमारे जहन में एक बात आती है कि इसमें इसका क्या रोल है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो दिया गया था, बेट किया गया था ऑल अबाउट फोर्स, और ये दिया गया न्यूटन के। न्यूटन ने क्या बोला कि गैलीलियो की बातों को वो अपने हिसाब से और ज्यादा इंप्रूव करके बता रहे। क्या बताया उन्होंने बताया कि अगर कोई बॉडी रुकी है तो ठीक है, रुकी रहेगी, चलेगी तो ठीक है, मूव करती रहेगी, लेकिन कब तक? जब तक कि इस पर किसी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स एफर्ट न लगे। तो अगर हम किसी तरीके का बाहर से एफर्ट या फोर्स लगाते हैं तो बॉडी अपनी टेंडेंसी को चेंज कर देगी। अगर रेस्ट में है तो एफर्ट लगाया तो चेंज कर देगी, अगर मोशन में है तो आपने लगाया तो या तो रुक जाएगी या तो और बढ़ जाएगी। तो उसके स्टेट में चेंजेस तब तक नहीं होंगे जब तक कि आप उस पर क्या ना लगाएं, फोर्स ना लगाएं, बाहर से किसी तरीके का एफर्ट ना लगाएं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? तो बात मेरी समझिएगा, यहां पर न्यूटन ने क्या बता दिया? न्यूटन ने बताया दिस हैपेंस ओनली एंड ओनली टिल देन एक्सटर्नल एफर्ट डज नॉट अप्लाई। जब तक किसी तरीके का बाहर से एफर्ट ना लगे तभी तक ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो न्यूटन ने क्या कर दिया? तो न्यूटन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी का समर्थन करता है। ठीक है, अंटिल द एक्सटर्नल एफर्ट डज नॉट अप्लाई ऑन इट, जब तक इस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल एफर्ट ना लगे तब तक ये अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा, नहीं तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम पहले लॉ को हम क्या कहते हैं? लॉज ऑफ इनर्शिया कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आता है, तो इनर्शिया जो कि अपने आप को मेंटेन रखने की टेंडेंसी है वो क्या सभी बॉडी में होगी? तो इसका जवाब हाँ, बिल्कुल सभी बॉडी में। क्या सभी में बराबर होगी? तो इसका जवाब है नहीं। इनर्शिया की टेंडेंसी, इनर्शिया की प्रॉपर्टी सब में बराबर नहीं हो सकती। तो फिर तो इसका मतलब है, तो फिर क्या कम अधिक होगी? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कम अधिक होगी, और ये डिपेंड करती है वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट के अमाउंट ऑफ मैटर पे, मास पे। मतलब कि जितना ज्यादा मास होगा बॉडी अपनी टेंडेंसी को बनाए रखने की कोशिश उतनी करती है। अगर हैवी बॉडी है तो वो अपनी टेंडेंसी को उतनी ज्यादा बनाए रहेगी, अगर लाइटर है तो वो लाइटर है तो जल्दी ही अपनी चेंज कर लेगी। तो मतलब हैवियर हैज हैवी इनर्शिया, ठीक है, लाइटर हैज लेसर इनर्शिया।
मतलब इनर्शिया इज द पैरामीटर ऑफ व्हाट? मास। याद रखिएगा, लार्जर मास हैज लार्जर इनर्शिया, मतलब इनर्शिया जो है वो जरूर फर्स्ट लॉ में आता है, लेकिन ये किसके पैरामीटर से कैलकुलेट होगा? मास के पैरामीटर से। तो आप बच्चों, आपको पता ही है मास क्या होता है, ठीक है, कि मास इज द पार्ट, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। ओके, तो ठीक है, अब इनर्शिया आपका जो लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट पार्ट ही होता है कंप्लीट। लॉज ऑफ सेकेंड, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। टिल देन इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है, बात करेंगे।